तो फाइनली अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। हम जयपुर आए थे एक इवेंट के लिए, और अगर उस इवेंट की आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लीव कर दिया, जाकर जरूर देखिए। जैसे ही हम इवेंट से बाहर निकले, हमने देखी ब्यूटीफुल सी बारिश एंड मैंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर मुझे मिली एक बैड न्यूज। वो क्या थी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मुझे लग चुकी है बहुत तेज की भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और सच बताऊं, बहुत ही चूजी टाइप की लड़की हूं मैं। जब भी मैं बाहर तो मुझे सब कुछ पसंद नहीं आता, कुछ भी पसंद नहीं आता, और शायद इसी वजह से मैं हमेशा भूखी रह जाती हूँ। खैर, हमें तो यहाँ पर खाना था, खाना ढेर सारा। और फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़ा सा खाने के बाद, हम आ चुके थे अपनी बोर्डिंग के लिए। और बोर्डिंग के लिए आते ही मुझे पता चला कि हमारी जो फ्लाइट थी वो 2.5 घंटे लेट थी। सीरियसली, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ ये पहली बार हुआ और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा जयपुर टू दिल्ली का, और सच बताऊँ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है जब भी आपने ट्रैवल किया है? खैर, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ और फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना बेकार रहा। वेल, कोई बात नहीं, अब हमारी बोर्डिंग टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश के टाइम पे बोर्डिंग, सीरियसली समझ सकती हूँ कि इस वजह से शायद फ़्लाइट इतनी ज़्यादा लेट हुई। वेल, मेरा यहाँ पे टर्न आने में थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पर मैं वीडियोज़ बना रही थी। वीडियोज़ बनाने के बाद मेरी टर्न आ चुकी है और मैं अब बैठ चुकी हूँ अपनी विंडो सीट पे। क्या आप भी बाय फ्लाइट जब भी जाते हैं हमेशा विंडो सीट बुक करते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी ज़रूर बताना। सो फाइनली अब हमारी जो फ़्लाइट है वो चल चुकी है। और दोस्तों, ये थोड़ी थोड़ी सी जो डस्ट है वो आप देख सकते हो, मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो फर्स्ट टाइम मैं नाइट में ट्रैवल कर रही थी, और मुझे ऐसा था कि मुझे नाइट व्यू जो है रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड तो मैंने किया, लेकिन सीरियसली इस डस्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो गई। लिटरली फर्स्ट टाइम इतना बुरा मेरे साथ हुआ, मतलब सीरियसली अलग से पैसे भी दो और फिर उसके बाद हमें प्रॉपरली चीज़ें भी ना मिल पाए, कितना बुरा लगता है ना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बस क्या बताऊँ, पहली बार ऐसा हुआ। वेल, अब हम हैं हवा में, और यहाँ पर मेरा मन कर रहा था गाना गाऊँ मैं, पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। ओ माई गॉड, ये जो नज़ारा था ना, बस मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये नज़ारा था ही इतना ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था जैसे जुगनू चमक रहे हैं और अपनी चमक से पूरी दुनिया को चमका रहे हैं। वेल, इस चमकती धमकती दुनिया को देखते हुए कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। और दिल्ली सीरियसली ऊपर से इतनी खूबसूरत दिखती, इतनी जगमगाती दिखती रात में, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद, चेकआउट करने के बाद, हमने पकड़ी अपनी कैब और सीधे गए अपने घर बारिश को एंजॉय करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।